हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी आलू के पराठे बनाना। देखिए, उसके लिए हमें चाहिए होगा आटा और सूखा आटा। और देखिए मैं कैसे स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने पहले से ही आलू का मैश कर रखा है। इसमें मैंने प्याज, कड़ी पत्ता, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। अब देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। गाइस, आप अगर मेरे पराठे खाएंगे तो आप देखिए कैसे मैं बना रही हूं। मैंने थोड़ा सा ये आटा फैला लिया। अब मैं इसमें लूंगी आलू और ये मैं इसके बीच में रख दूंगी और इसको आटे से कवर कर दूंगी। ऐसे कवर करने के बाद इसमें मैं लगाऊंगी सूखा आटा और ये बेलन से इसको हल्के हाथ से दबाऊंगी। ये मेरा पराठा और आपको मैं खिलाऊंगी स्वादिष्ट आलू दे परोंठे। देखिए फ्रेंड्स, ये काफी अच्छी शेप में आ गया और इसको मैं अब डालूंगी तवे पे। ये और गैस तेज कर दूंगी। थोड़ी देर बाद हम इसमें ऑयल पुट करेंगे, अभी नहीं। अब मैं इस पराठे में तेल लगाऊंगी। हमारे पास रिफाइंड तेल है, आप चाहे तो इसमें घी भी लगा सकते हैं। और इसको मैं पलट दूंगी और दूसरी साइड भी ऑयल लगाऊंगी। थोड़ी ही देर बाद ये बनके तैयार हो जाएगा। देखिए आप, इसको मैंने कम गैस में पकाने के लिए रखा है, लो फ्लेम। तो फिर से पलट दिया मैंने, बस ये पक के तैयार ही होने वाला है। थोड़ा सा ऑयल और लगा लेती हूँ ताकि ये सूखा ना रहे। और इसको आप दही के साथ या अचार के साथ खा सकते हैं। ये बनके रेडी हो चुका है और इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये बनके रेडी है। और आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें।